तो आपका हमारे एक नए वीडियो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा प्रोफेशनल बैनर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जब तक आपका चैनल एक प्रोफेशनल नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आपका चैनल का लोगो अच्छा नहीं होगा, आपके चैनल का बैनर अच्छा नहीं होगा, तब तक आपके चैनल पर कोई भी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल के लिए बेस्ट बैनर कैसे बना सकते हैं। ये बैनर बनाने के बाद आपका चैनल एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल लगने लग जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ उसको दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो में हिस्सा लाता रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना अच्छे से एक प्रोफेशनल बैनर बनाने के लिए आपको सिंपली अपना पिक्सल लैब जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है, और ऊपर आपको जो थ्री डॉट दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, और इमेज साइज को आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल बैनर, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट है इसको आपको डिलीट कर देना है, और यहाँ पर इसमें आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी लिखा दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ये आपको भी ऐसे ही कुछ ऐड यहाँ पर कर लेना है। अब के बाद आपको सिंपली ए बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने चैनल का नेम, जो भी आपका चैनल का नेम है वो आपको यहाँ पर दे देना है, जैसे कि मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पर दे देता हूँ, और ओके पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको सेट कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर ए भी यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और माई फॉन्ट, मैंने ये वाला फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ऐड भी नहीं करना आता तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा, आप इस पर आप कमेंट में यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर ये फॉन्ट सिलेक्ट हो गया है। अब इसको कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसको आपको कलर में ग्रेडियंट दे देना है, और ग्रेडियंट मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर ग्रेडियंट देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपने चैनल का लोगो ले लेना है, या यहाँ पर आपको अपना सिंपल अपने चैनल का लोगो यहाँ पर ले लेना है, और अपने चैनल के लोगो को यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेना है फिट। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली इसको एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ऐसे करके आपको यहाँ पर लगा देना है, और सिंपली इसको एक और कॉपी करके यहाँ पर लगा देना है कुछ इस प्रकार से, और फिर एक और कॉपी करके इसके नीचे थोड़ी सी लगा देना है, और फिर एक और कॉपी करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है। अब कुछ ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल का जो भी आप, जैसे कि मैं टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट दे देना है आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल वीडियोज़, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इसको ले लेना है, और इसके नीचे आपको ऐड कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको करना है, और इसको जो भी आपने चीज़ ली हुई हैं इन सबको आपको लॉक कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये लॉक हो चुकी हैं, और अभी हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये बहुत अच्छा यहाँ पर बैनर बन चुका है। अब आप इसमें अगर और कुछ भी देना चाहे तो वो दे सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं देना है तो यहाँ पर सिंपली इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है, और कस्टम पर क्लिक करना है, और इसको वेरी हाई में यहाँ पर सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे ही आप ऐसा कर, तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप मुझे ये बताना कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट में आप ये सब लिख के बताना कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।